हेलो भाई लोगों, वेलकम बैक टू बीबीसी स्टार एकेडमी चैनल। मैं आपका अपना भाई एजे। जैसा कि आप लोगों को पता है, सीबीएसई ने अपनी डेट शीट को रिवाइज़ किया है। चलिए मिलके जान लेते हैं क्या क्या चेंजेस किए हैं सीबीएसई ने अपनी डेट शीट में, ठीक है। एंड जो भी डेट शीट में चेंज हुए हैं उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं तो आप पे पड़ने वाला है। एंड जो भी चेंजेस किए होंगे सीबीएसई ने, वो कुछ सोच समझ के ही किए होंगे। एंड आपको घबराना नहीं है, जिस तरह से आप मेहनत करते आ रहे हो उसी तरह से, उसी लगन उसी मेहनत से आपको मेहनत करते जाना है, डटे रहना है। एंड देखना, यू ऑल विल अचीव अ वेरी गुड स्कोर इन योर एग्जामिनेशन, ठीक है। एंड बिफोर गोइंग ऑन, इफ यू आर न्यू टू अवर चैनल, डू सब्सक्राइब अवर चैनल। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या चेंजेस किए हैं सीबीएसई ने। तो देखो, ये सामने आपके पास दोनों डेट शीट हैं, ये प्रीवियस वाली डेट शीट है एंड ये रिवाइज डेट शीट है। तो यहाँ पे देखते हैं, ट्यूसडे को आपको, 4 मई को आपका क्या था, उड़िया का एग्ज़ाम था, कन्नड़ का था, लेपचा का था, सेम न्यू डेट शीट में भी वही है। थर्सडे को आपका इंग्लिश लिटरेचर था, डैट इज़ ऑफ 6 मई, न्यू डेट शीट में वही एग्ज़ाम है इंग्लिश कम्युनिकेशन एंड लिटरेचर का। तो यहाँ तक तो हमको कोई चेंज दिखा नहीं। अब आगे चलते हैं, तो मंडे 10 मई को क्या है आपका, हिंदी कोर्स ए एंड कोर्स बी, न्यू डेट शीट में भी वही वही है, हिंदी कोर्स ए एंड हिंदी कोर्स बी। तो चेंजेस कहाँ किए सीबीएसई ने, चेंजेस किए हैं कहाँ किए हैं वो हम आगे चल के देखते हैं। यहाँ देखो, फिर 11 मई को क्या है आपका, उर्दू का है, बंगाली का है, तमिल, पर्शियन एंड जितने भी आपके एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं उनका है। एंड सेम यहाँ पे भी 11 मई को वही है। 12 मई को आ जाते हैं, देन पंजाबी जर्मन। यहाँ 12 मई को एक चेंज हुआ है, जो यहाँ पे पंजाबी था आपका, पंजाबी को लग रहा है शिफ्ट कर दिया इन लोगों ने। और यहाँ पे आपका 12 मई को क्या आ गया, फ्रेंच। जर्मन जो था, जर्मन तो रहेगा जिन जिनने जर्मन ले रखा है, बट पंजाबी की जगह शिफ्ट होकर क्या हो चुका है यहाँ पे, फ्रेंच। देन आगे बढ़ते हैं, 13 मई में जाते हैं। तो यहाँ पे 13 मई को पहले क्या था, मलयालम, फ्रेंच, रशियन, उर्दू कोर्स भी। और यहाँ पे अब 13 मई को कोई एग्ज़ाम ही नहीं बचा, मतलब कि आपको 12 मई से 17 मई तक गैप रखा है। एंड 17 मई को आपको क्या कर दिया, पेंटिंग कर दिया। देन सैटरडे जाते हैं, 15 मई को, 15 मई को तो लास्ट आपकी डेट शीट थी उसमें क्या था, 15 मई को साइंस की थ्योरी एंड साइंस प्रैक्टिकल। यहाँ पे साइंस दिख रहा है कहीं पे भाई, साइंस गायब, यहाँ पे साइंस आ चुका है यहाँ पे 21 मई को। दैट मीन्स समझ रहे हो, आपको आपको साइंस में कितना ज़्यादा गैप मिला हुआ है। अगर हम हिंदी से ऑल द जो आपके 5 मेन सब्जेक्ट्स होते हैं उनको उठा लें, बाकी जो आपके एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं उन सबको साइड में रख दें, तो आपके क्या होंगे, कितने दिन के गैप मिल रहे हैं आपको। 10 मई को आपका हिंदी का पेपर है, 21 मई को आपका साइंस का पेपर है। डेट मीन 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, यानी कि पूरे पूरे आपको 10 दिन का गैप मिल रहा है बीच में। अगर हम इसका 10th ये हटा दें और 21st को इसको हटा दें, तो बीच में पूरे हमें कितने दिन का गैप मिल रहा है, 10 दिन का। एंड दैट 10 डेज गैप इज मोर देन एनफ। अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को भी अगर 2-2 दिन, 3-3 दिन भी लेते हो रिवाइज करने के लिए, तो अगर सपोज करो आप 2 दिन में फिजिक्स को पूरा रिवाइज कर लेते हो, 2 दिन में बायो को कर लेते हो, 2 दिन में केमिस्ट्री को कर लेते हो, तो 6 दिन में आपका सिलेबस कवर हो रहा है। उसके बाद भी आपको 4 दिन बच रहे हैं, एंड डेट 4 दिन में भी आप बहुत एक्स्ट्रा से कवर कर सकते हो। तो ये जो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिला है, इस एक्स्ट्रा टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना आपको, इसको जितना हो सकता है यूटिलाइज करना है। क्योंकि अगर गलती से भी आप लोगों के कम मार्क्स रह गए, अगर गलती से भी आप लोगों के कम मार्क्स रह गए, तो यू ऑल नो दैट कि घर वाले ये नहीं पूछने वाले, बेटा क्यों कम मार्क्स रह गए, बल्कि ताने ही मिलने वाले हैं कि भैया इतना टाइम मिला, ऊपर से हर पेपर में इतना गैप मिला एंड फिर भी मार्क्स नहीं आए, ठीक है। तो ध्यान है कि आपका जो मेन सब्जेक्ट है हिंदी के बाद आपका जो साइंस है, साइंस में आपको कितने दिन का गैप मिल रहा है, 10 डेज का बीच में। अब आ जाते हैं हम आगे, आगे हम देखते हैं जो आपका पहले वाला सिलेबस था उसमें आपका 20 को होम साइंस था एंड 21 को मैथ्स था, स्टैंडर्ड एंड बेसिक। अब यहाँ पे आपको मैथ्स दिख रहा है कहीं पे, यहाँ पे आपको कहीं पे मैथ्स दिख रहा है, नहीं दिख रहा। चलते ढूंढते भैया, हमारा मैथ्स खो गया, कहाँ खो गया, ढूंढो भाई, ढूंढो मैथ्स को, ढूंढो नए वाले सिलेबस में। अरे भैया मैथ्स देख रहा हूँ, मैच कहाँ फेंका है जाके सीबीएसई वालों ने, सीधे 2 तारीख को। यानी कि अगर हम बात करें मैथ से पहले, अगर हम पहले मेन सब्जेक्ट उठाते हैं, कौन सा है मैथ से पहले, सोशल साइंस। सोशल साइंस आपका कब पढ़ रहा है, 27 मई को आपको पढ़ रहा है सोशल साइंस। तो सोशल साइंस अगर हम आईटी को छोड़ दें, बहुत सारे बच्चों ने आईटी ले रखा होगा, कईयों ने एआई ले रखा होगा, ठीक है, अगर हम इनको छोड़ दें तो आपको कितने दिन का गैप मिल रहा है मैथ्स और इसमें, 28, 29, 30, 31 एंड 1, बीच में आपको कितने दिन का गैप मिल रहा है, 5 डेज का। यानी कि मैथ्स में भी थोड़ा अगर हम देखें गैप क्या है यहाँ पे, बड़ा है कि घटा है,
चलो चेक कर लेते हैं वो भी। पहले आपका 15th को था, यानी कि मैथ्स में लगभग लगभग आपका सेम टाइम है। पहले जो आपका 15 मई को था, अब वो क्या 15 मई को आपका जो मेन एग्जाम था साइंस, साइंस के बाद तुरंत क्या हो रहा था मैथ्स, एंड उन दोनों के बीच में कितना टाइम था आपका, 5 दिन का टाइमिंग था। बट अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस भी आपको 5 दिन का टाइम मिलेगा, बट अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस भी आपको 5 डेज का टाइम मिलेगा, बट सोशल साइंस एंड मैथ्स रहेगा। यानी कि पहले जो दोनों आपके जो मेन सब्जेक्ट्स थे, दैट इज मैथ्स एंड साइंस, उन दोनों के बीच में कोई भी अलग सब्जेक्ट नहीं था, लाइक हिंदी, इंग्लिश एंड सोशल साइंस। बट अब जो मेन सब्जेक्ट हैं उनके बीच में आपका क्या जा रहा है, सोशल साइंस आ रहा है। तो यानी कि अगर हम इन एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स को हटा दें तो आपको कितने डेज टाइम मिल रहा है, आपको 5 डेज का पूरा टाइम मिल रहा है। तो एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं न्यू डेट शीट को दोबारा से, कि क्या क्या दे रखा है हमको, क्या क्या नहीं दे रखा। तो देख लो, 6 तारीख को आपका क्या है, इंग्लिश, 10 तारीख को है आपका हिंदी, 21 को है साइंस, 27 को सोशल साइंस, एंड 2 जून को आपका क्या है, मैथमेटिक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम इंग्लिश और हिंदी के बीच में बात करें तो 6, 7, 8, 9, यानी कि 3 डेज का इसके बीच में आपको गैप मिल रहा है। 10 और 21, हिंदी एंड साइंस के बीच में आपको कितना गैप मिल रहा है, 10 डेज डायरेक्टली। देन फिर साइंस एंड सोशल साइंस के बीच में 22, 23, 24, 25, 26, 5 डेज इसमें मिल रहे हैं आपको, एंड 5 डेज आपको इसमें मिल रहे हैं। तो यानी कि आपको बहुत ज़्यादा इनफ टाइम मिल रहा है फॉर द रिविजन ऑफ एवरी एवरी सब्जेक्ट। तो CBSE ने जो चेंजेस किए हैं, कुछ सोच समझ के ही करे हैं ताकि बच्चों को इनफ टाइम मिल जाए कि इसमें रिविजन करने में। एंड अभी फिर से मैं बोल रहा हूँ, पहले भी बोल चुका हूँ कि जितना ज़्यादा रिविजन कर सको तो कर लो। अब इफ़ यू हैव टू स्कोर मोर देन 90% या मोर देन 95%, देन एटलीस्ट सॉल्व 35 to 40 सैंपल पेपर बिफोर बोर्ड एग्जाम, बिफोर बोर्ड एग्जाम। ठीक है, अगर आप किसी भी पुराने अपने आपके जो भी कलीग्स रहे होंगे टॉपर्स, या फिर जो भी आपके सीनियर्स रहे होंगे टॉपर्स, उनसे पूछ लेना कि भैया कि उन लोगों ने कितने कितने एग्जाम्पल पेपर कर लिए थे बिफोर गोइंग टू बोर्ड एग्जामिनेशन। तो किसी का भी जवाब ये नहीं रहेगा कि भैया हम तो 5 सैंपल पेपर करके गए थे या 10 सैंपल पेपर करके गए थे। देखो, सैंपल पेपर हम करते क्यों हैं, फॉर द प्रैक्टिस। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रैक्टिस चाहिए, हमें ऐसा लगे कि क्वेश्चन पेपर हमारे लिए अनजान नहीं है, क्वेश्चन पेपर हमारे से एकदम मिलता जुलता हो, या एक दोस्त की तरह हो कि हाँ भाई भाई तेरे को तो हम बार देखते हुए आ रहे हैं, तो चल भाई हम तेरे को निपटा लेंगे, ऐसा करना है तो यू हैव टू सॉल्व 35 to 40 सैम्पल पेपर बिफोर बोर्ड एग्जाम। नहीं तो भैया वो क्वेश्चन पेपर उस अनजान दोस्त की तरह रहेगा जो आपको सालों में कई बार एक बार मिलता है, एंड फिर उससे के साथ जो आपका रिलेशन रहता है वो तो आपको ही पता होगा कैसा रहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर को हमें ऐसा दोस्त बनाना है जो हमारे एकदम बिल्कुल नज़दीकी हो, जिसकी हम हर एक चीज़ से पता हो, जिसके हर राज पता हो हमें। ठीक है, हमें क्वेश्चन पेपर को उस तरह का अपना एक दोस्त बनाना है, और उस तरह का दोस्त बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सैम्पल पेपर ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने पड़ेंगे, जिससे कि हमें पता लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आर कमिंग इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, एंड सैम्पल पेपर, डायरेक्ट सैम्पल पेपर में मत पहुँचाना सबके सब। ठीक है, सैम्पल पेपर से बिफोर यू हैव टू कम्प्लीट योर NCERT, बिकॉज 70% ऑफ सिलेबस कम्स फ्रॉम कहाँ से आता है, NCERT में से। ठीक है, तो 70% सिलेबस NCERT में से आ रहा है। उसके बाद अगर आपके पास एग्जाम्पलर है तो डू सॉल्व एग्जाम्पलर, बिकॉज जितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए NCERT है, उसी तरह CBSE ने अगर कोई बुक इशू कर रखी है तो कुछ सोच समझ के ही कर रखी होंगी। NCERT प्लस NCERT एग्जाम्पलर, यू हैव टू सॉल्व दीज बुक्स फर्स्ट। ठीक है, देन उसके बाद जो CBSE के न्यू सैम्पल पेपर इशू हुए हैं आपको वो सारे करने हैं, क्योंकि आपको पता है कि कई सारे नए टाइप के क्वेश्चन आए हैं, केस स्टडी क्वेश्चन आए हैं, 1 मार्कर आपके इंक्रीज हो गए, 40 नंबर्स में चले गए हैं। तो आपको वो सारे सैम्पल पेपर करने होंगे फॉर योर गाइडेंस कि आपको कैसे कैसे एग्जाम सॉल्व करना है। ठीक है, एंड आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको हर तरह के सैम्पल पेपर सॉल्व करवाएंगे, एंड फॉर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जुड़े रहिए हमारे साथ। वी विल कवर ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेट आर सपोज टू बी कमिंग इन द एग्जामिनेशन। जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनके पैटर्न है, हम वो सारे सॉल्व करवाएंगे अपने चैनल पे। एंड हम लोगों ने एक वीडियो बनाई है जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कवर किए गए हैं, जिसके पैटर्न पे इस बार क्वेश्चन आ सकते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन। फॉर ऑल दैट क्वेश्चंस हमारे साथ जुड़े रहिए, एंड ऑल्सो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।